दरअसल 29 फरवरी को बीसीसीआई ने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसमें बीसीसीआई ने ईशान और श्रेयस अय्यर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया, जिसकी वजह यह बताई जा रही है कि बीसीसीआई के कहने के बावजूद ईशान और श्रेयस ने कोई घरेलू मैच नहीं खेला, जबकि खिलाड़ियों को कुछ घरेलू मैच भी खेलने होते हैं जैसे रणजी वगैरह। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अब ईशान और श्रेयस टीम इंडिया से हमेशा के लिए बाहर हो गए हैं? क्या वो अब कभी भी टीम इंडिया के लिए कोई मैच नहीं खेल पाएंगे? तो इसका जवाब थोड़ा डिटेल्स में इस तरह समझिए कि बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होने वाले प्लेयर्स को बीसीसीआई सालाना एक फिक्स सैलरी देती है, इसके अलावा उन्हें मैच के हिसाब से भी फीस मिलती है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में शामिल न होने वाले प्लेयर्स को सिर्फ मैच फीस ही मिलती है, वो जितने मैच खेलेंगे उतनी ही फीस मिलेगी, इसके अलावा बीसीसीआई उन्हें एक भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं देगी। यानी कि वो अब टीम इंडिया से बाहर नहीं हुई है, वो टीम इंडिया के लिए मैच खेल सकते हैं लेकिन बीसीसीआई अलग से उन्हें पैसे नहीं देती है। यही होता है बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द ईयर जिसमें से दोनों खिलाड़ी बाहर हुए हैं।